आप किसी एप्लीकेशन की तलाश में हैं जो प्ले स्टोर सर से मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड कर सके, तो फ्री एप्लीकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। फ्री में कौन सा एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन पर यूज़ कर सकते हैं जो आपके फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर आपको सर्च कर लेना है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। यहाँ पर AZ स्क्रीन रिकॉर्डर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं जो आप आसानी से यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसे मैं खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पे, और ये खुला हुआ है, ठीक है ना। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है, एक मिनट में दिखा देता हूँ। इसलिए बीच में ऐड आ सकते हैं, तो इसको आप बैक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, तो इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिख रही है, जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है यहाँ से। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको ब्रश मिल जाता है, आपको फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। आप फ्रंट कैमरा यहां से यूज कर सकते हैं, परमिशन मांगेगा, परमिशन अलाउ कर दीजिए, और यहां से आप अपना इसको भी चालू कर सकते हैं। इसको बंद करना चाहें तो यहां से आप इसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। बैक कैमरे का भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आपको यहां पे एक ऐसा टूल मिल जाता है इस तरह का साइड में, इसमें देखिए आपको ब्रश टूल लेना है। ब्रश टूल में आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। इससे आप मार्क कर सकते हो, जैसे आपको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर को ऐसे क्लिक करोगे, और इस तरह से हम डेट दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से हम स्क्वायर करके डेट दिखा देंगे। यदि आप सर्किल यूज़ करना चाहते हो तो सर्किल पे क्लिक करोगे, और कोई भी सर्किल से इस तरह से आप यूज कर सकते हो मार्क करके। एरो का यूज करना तो आप एरो का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप इरेज करना चाहते हो तो इस तरह से आप इरेज कर सकते हो, ये इस तरह से देखिए ये इरेज हो रहा है ना, ये इरेज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कैमरे पे क्या है, ये कैमरे पे स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन है, जो भी है स्क्रीनशॉट उसका ले लिया गया है, ठीक है, जो आपको गैलरी पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे ब्रश टूल मिल जाता है, ब्रश टूल से आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं और लिख करके दिखा सकते हैं, ठीक है, और मार्क वगैरह करने के भी काम आता है। तो इस तरह से ये टूल्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बीच में आपको वीडियो को पॉज करना है तो आप यहाँ पे इसे इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, एक मैं आपको दिखा देता हूँ, इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऐप से संबंधित आपको और भी मेन्यूज मिल जाते हैं, गूगल लाइव का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से सेटिंग इसकी कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या परमिशन देनी है वो देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप वीडियो को रोकना चाहते हैं तो यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमने इसको, अब वीडियो को यदि हम बंद करना चाहते हैं, फिनिश करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है ना।